ये जो बाजरे का सिट्टा है ये लगाने के बाद तो What you know about rolling down in a deep? When the pain goes numb, you can call them and freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion, yeah. Yo, so what is up, YouTube fam? Hope you all are doing great. Oh, अच्छा लग रहा है, तो इसका कुछ करेंगे अपन. तो hope you all are doing great. उम्मीद कर रहा हूँ सब मस्त होंगे. आज अपन आए हैं कुछ अपना म्यूजिक सुनाने के लिए. तो आई वॉज वर्किंग ऑन माई म्यूजिक, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, तो मैं मुझे ये रिएक्शन वियक्शन करने की कुछ टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब इसका वीडियो एडिटिंग, और ये लोगों तक रीच भी नहीं हो पा रहा है. लगता है लोग मुझे रिएक्ट करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं यू नो मैं वो वो ये नहीं हो पा रहा है मुझसे. तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे डालते रहूँगा. मैं अभी भुवनगिर गया था, मैं वो स्पॉट्स के व्लॉग डाला था. मैं अगर नहीं देखे तो देख लेना, मैं अपने गाने पे डालने की कोशिश करूंगा और नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक पे डालने की भी कोशिश करूंगा मैं. तो चलो अपन आज अपने गाने पे आते हैं. मैं एक गाना सुना सुबह उठते इंस्टा स्टोरी पे, पता नहीं किसका स्टोरी था वो. तो गाना वॉज लाइक क्या लेके आयो जग में क्या लेके जाएगा. ये गाना सुना होगा, मैं भी सुना हूँ, लेकिन मुझे फिर सुनने के बाद अच्छा लगा था. वो पुराना गाना है, तो मैं अपना पुराना प्रोजेक्ट ओपन करा जो बाजरे दा सिट्टा आप सुने थे शायद, तो उसका वोकल का सैंपल कुछ ले लेके मैं ऐसा था वोकल, तो मैं इसको कुछ पिच डाउन कर लेके थोड़ा चेंजेस और इफेक्ट्स वेफेक्ट्स डालने के बाद. तो इसका पहले बेस लाइन जो था इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. अभी मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि मैं सेव करते करीब मैं डेढ़ दो घंटे से काम कर रहा हूँ. अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 5:22 हो रहा है का टाइम, मतलब मैं मान लो 2:30 या 2:40 वो टाइम से बैठ गया मैं म्यूजिक पे. तो उसको चेंज कर दे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दे कुछ ना कुछ करने के बाद फाइनली मुझे एक बेस लाइन मतलब एक आइडिया था वो. ऐसा मिल गया, तो इसको लेयरिंग कर दे के थोड़ा हाई साइंड मिड्स भी ऐड करने के बाद वो थोड़ा कुछ इस तरह साउंड कर रहा था. तो इट वॉज कम्प्लीटली गुड. ये मुझे इसके साथ भी अच्छा ही लग रहा था, मतलब ये खाली बेस लाइन ही मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा था. तो इस पे सोचा मैं ये अरे ये जो बाजरे का सिट्टा है ये लगाने के बाद तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी ये मैं करते करते यू नो बहुत बार सुना, करीब 60-70 मान लो 100 बार सुन लिया शायद, मतलब करते करते कब से 2:30 बजे से सुन रहा हूँ. और बाजरे दा सिट्टा वो सुनते उसके ऊपर सुनते मुझे कुछ सही नहीं लगा. तो इसको मैं क्या करा, एक लीड का टचअप दे दिया इसको, मतलब ये बाजरे दा सिट्टा जो वोकल है इसको मैं सुन रहा था, मेरे जो माइंड में वोकल चल रहा था जो वही क्या लेके आयो जग में क्या लेके जाएगा, ये वोकल से मैं उसको सुन रहा था. मैं अब यार लेजी ब्रो, यूट्यूब से डाउनलोड नहीं करा, कर लूंगा करके वो भी कर दूंगा. तो इट वॉज साउंडिंग समथिंग लाइक दिस. अरे ये कौन सा है भाई, सो ये लीड में एक सैम्पल पैक से था, तो मैं इसको मीडी में कन्वर्ट कर लेके अपना जो इंस्ट्रूमेंट डालेंगे बल्कि डाल दिया था. तो एक बार फाइनल सुन लो एक बार. सो इफ दिस गोस इन प्रॉपर, अभी ये प्रोजेक्ट इतना ही है, मतलब ज्यादा कुछ करा नहीं, मैं बस इस पे 2-2.5 घंटे से काम कर रहा हूँ. अभी देखे ना टाइम, और 5:30 मतलब 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 एक आधे घंटे में ये वीडियो करने के लिए डाल दो. तो 2-2.5 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2-2.5 घंटे में ये इतना कुछ बन गया ये. तो अगर ये हो गया, इसके मैं जो मिले लाइन्स वो लाइन्स के अलावा मैं और 4-5 लाइन्स भी करा मैं, मतलब लिखा. तो लेट्स होप, लेट्स प्रे,
वो भी गाना कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 2-3 गाने लिखा हूँ लेकिन वो रिकॉर्डिंग के लिए पड़े हुए अभी। तो अगर ये गाना हुआ तो कुछ ऐसा, क्या लेके आई हो जग में, क्या लेके जाएगा, दिस विल गो लाइक दिस। तो होप यू गाइस लाइक इट। अगर काम पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, मेरे म्यूजिक चैनल्स भी चेक कर लेना प्लीज, मेरे म्यूजिक चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आई कार्ड पे भी मिल जाएंगे आपको, प्लीज जाके सपोर्ट कर दो, प्लीज सपोर्ट आकिद ज़ैन RAAWM। साइनिंग ऑफ, शुभ बॉय आकिद ज़ैन AKA RAAWM।